أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Today we will cover forensic sexology according to UHS table of specification we have four MCQs and one SEQ from this chapter So, without any further ado, let's start. Okay, the first question from this chapter is sexual perversions, and this is asked in MCQs as well as in SEQs. So, what are these perversions? These are actually a sexual gratification without sexual intercourse. So these terminologies are important for MCQ's point of view as well. Sadism is actually sexual pleasure from the act of cruelty by the partner, and masochism is actually sexual pleasure from the pain or injury from the act that is acted by opposite partner. Transvestism is actually sexual gratification by wearing the dress of opposite sex, और ये MCQ में पूछा गया है. Voyeurism is sexual gratification by looking at the naked members, and exhibition is exposing of sexual organs. Fetishism is actually sexuality by aroused by non-living objects or belonging of the partner. Pedophilia is sexual gratification by the under puberty child or pre-puberty child. Necrophilia is the desire or the love for the dead ones for the sexual gratification. And the next question is about dissolution of marriage act 1939, aur isme se ek MCQ pucha gaya. That is imprisonment of husband for 7 years or more, tab ye wala act jo hai wo lag sakta hai. Isme kafi zyada aur bhi options hain, conditions hain, and iska matlab ye hai ki Muslim marriage ko dissolve kab kiya ja sakta hai. Jo Muslim marriage yani nikah hota hai uski ek condition ye hai ki agar husband 7 saal se zyada जेल में रहा है या उसे इम्प्रिजमेंट हुई है, तो इस वजह से ये सेक्सुअल मैरिज डिसोल्यूशन हो सकती है. इसके अलावा और भी ज्यादा काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू इज फ्रॉम इम्पोर्टेंस, एंड इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकली मेल्स के लिए यूज होती है. इम्पोर्टेंस मीन्स inability to perform sexual intercourse, और इसका जो टर्म है, इसकी टर्म जो फीमेल के लिए यूज होती है, दैट इज फ्रेजिडिटी, और यही पूछी गई है MCQs में. सो हम इसको ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे. फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में एक MCQ पूछा गया है मेल में फियर ऑफ इनबिलिटी टू परफॉर्म द एक्ट की वजह से भी इम्पोर्टेंस हो सकती है. फियर की वजह से भी ये आ सकता है, ये फीमेल में भी फियर हो सकता है. इसके अलावा डिस्गाइज और डिस्गस्ट और डिसलाइक भी इसमें आते हैं. ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ में. दैट इज सुपर फिकंडेशन. फिकंडेशन एक्चुअली सुपरफ्यूटेशन जैसा ही होता है. इसमें ट्विन प्रेगनेंसी में ये होता है, और होता है इसमें ये है कि दोनों में एट ए टाइम दो ओवा फर्टिलाइज हो जाते हैं, और दोनों में टू एक्ट्स ऑफ कोइटस होते हैं, यानी टू इंटरकोर्स होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स. इसके अलावा जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है, डेट इज टाइम लैप्स. टाइम लैप्स जो है सुपर फिकंडेशन में वो नहीं होता. दोनों के दरमियान दोनों जो फीटस डेवलप होते हैं वो एक ही एज के होते हैं, और इसके अलावा उनकी फर्टिलाइजेशन ओवा की फर्टिलाइजेशन में कोई टाइम गैप नहीं होता. लेकिन सुपरफ्यूटेशन में 2 or 3 month का टाइम गैप आता है. यही इनमें दोनों में मेन डिफरेंस है.
इसी की बेस पे हम सारी इसकी डेफिनेशन और पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अलबत्ता इसमें से जस्ट एक एमसीक्यू ही पूछा गया, इस वजह से हम इसको ज्यादा नहीं स्टडी कर रहे। नेक्स्ट वन इज मेडिकल कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसके इसमें से भी एमसीक्यूज ही पूछे गए हैं। मिनिमम प्रेगनेंसी जो कि रिकॉर्ड की गई है और पॉसिबल है, डेट इज 2-10 डेज की होती की गई है ह्यूमन में, और इसके अलावा मैक्सिमम जो है वो 3-40 डेज की है, और एवरेज जो होती है वो 280 डेज की है। इसके अलावा मेडिकल सिम्टम्स जो हिस्ट्री कंफर्म करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसमें मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग सिकनेस है जो कि न्यू पॉइंट है, और ब्लड इरिटेशन भी इतना ज़्यादा न्यू नहीं है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस जो है उसके ऊपर एक एमसीक्यू है, दैट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ये स्टार्ट होती है मेजर। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो कॉमन हैं, हर एक को पता है, इस वजह से ना ही वो पूछी गई हैं, स्किप करके हम आगे जाते हैं। सेक्सुअल ऑफेंसेस में चलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली सही ऐसी क्यूज हमें मिलते हैं। जिना, रेप एंड फॉर्निकेशन की डेफिनेशन पूछी गई है टर्म्स की, इसके अलावा इनके दरमियान कंपैरिजन पूछा गया, जिना और फॉर्निकेशन के दरमियान भी और रेप और जिना के दरमियान भी। जिना जो है ये मेन जो है इस्लामिक लॉ के अंडर कंसिडर किया जाता है, जबकि रेप और फॉर्निकेशन जो है ये कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें कंसिडर किया जाता है। जिना जो है हदूद ऑर्डिनेंस सेक्शन 4 में कंसिडर किया जाता है, और इसकी इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों की विलनेस होती है, मेल की भी और फीमेल की भी, और इसमें जिना में प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल इंटरकोर्स होता है, यानी कि शादी से पहले या निकाह से पहले भी, और अगर निकाह हुआ हुआ है यानी मैरिड है पर्सन मेल या फीमेल, तो वो अनमैरिड से दूसरा पार्टनर अनमैरिड है तो उसे जो इंटरकोर्स होगा उसको भी जिना में कंसीडर किया जाएगा। रेप एक्चुअली जो है इसमें विलिंगनेस नहीं होती एक पार्टनर की, और ये जस्ट मेल का फीमेल के साथ जो इंटरकोर्स है विदाउट कंसेंट उसी को कंसीडर किया जा सकता है, वुमेन का मैन के साथ जो है वो इसमें रेप में कंसीडर नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेजर कंट्रीज। और इसके अलावा ये रेप जो है इसमें एक एमसीक्यू पूछा गया है कि ये वाइफ के अंडर 16 ईयर, और कुछ बुक्स में 15 ईयर्स का वर्ड है कि अगर अंडर 15 या 16 ईयर्स की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको भी रेप में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा इररेजिस्टेबल मेल डिजायर को सिटायरिसिस कहते हैं, और रेप में रेप के ऊपर ऐसी क्यों आया हुआ है, इसका एक्चुअली जो डिफरेंस है वो ये है कि ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में कंसीडर होता है, पाकिस्तान की भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसके अलावा इसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है रेप की, जबकि जिना जो है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पनिशमेंट इसमें 2 तरह की पनिशमेंट है, अगर अनमैरिड पर्सन किसी अनमैरिड पर्सन ये जिना करेगा किसी के साथ भी, तो उसके लिए जो है वो 100 या 80 लैशेज हैं कोड़े हैं, लेकिन अगर मैरिड पर्सन करेगा जिना तो वो उसके लिए स्टोन टू डेथ पनिशमेंट रखी गई है इस्लाम में। फॉर्निकेशन जो है ये जिना की ही एक टाइप है या जिना को ही कह सकते हैं, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा फॉर्निकेशन जो है ये बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशंस में कंसीडर किया जाता है, यानी जिना को ही बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस में इस्लाम के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें फॉर्निकेशन के नाम से जाना जाता है, ये इसका मतलब है मेजर मतलब। और इसमें दूसरा जो मेजर फर्क है जिना से वो ये है कि ये जस्ट अनमैरिड पर्सन्स के दरमियान हो सकता है, इसमें मैरिड के का फॉर्निकेशन में कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। इसके अलावा इनकी पनिशमेंट डिफरेंट है,
पनिशमेंट में फॉर्निकेशन की 5 ईयर और कुछ साल, कुछ जगहों पे 10 ईयर्स की और कुछ में 7 ईयर्स की पनिशमेंट लिखी गई है विद 10,000 रुपीज फाइन। और ये मेजर डिफरेंसेस हैं, बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने हैं। बाकी फॉर्निकेशन में भी जो है वो दोनों की विलिंगनेस होती है, मेल की भी और फीमेल की भी। रेप में कंसेंट या विलिंगनेस नहीं होती। नेक्स्ट वन है अबाउट इंसेस्ट और सीन ऑफ गोमरू। इंसेस्ट के ऊपर एमसीक्यू है कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्लोज रिलेशंस जो होते हैं जो प्रोहिबिटेड हैं उनके दरमियान जो इंटर कोर्स होते हैं उसको बोलते हैं। इसके अलावा सीन ऑफ गोमरू जो है इसको बक्कल कोइटस भी बोलते हैं और ओरल इंटरकोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ विक्टम ऑफ जिना रेप एंड फॉर्निकेशन। और इसके स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन बारहा दफ़ा एसीक्यू में पूछे गए हैं और इसको ऐसे एज इट इज़ हमने याद करना है। क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, इस वजह से इसके फर्स्ट 4 पॉइंट्स जो हैं वो जस्ट फॉर द क्वेश्चंस कॉन्शियसनेस के ऊपर है। फर्स्ट वन इज ऑथोराइजेशन है, सेकंड कंसेंट है, आइडेंटिटी है, हिस्ट्री है। ये एग्जामिनेशन से पहले 4 स्टेप्स हमें पूरे करने पड़ेंगे, फिर हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। दैट इज ऑथोराइजेशन, कंसेंट, आइडेंटिटी, हिस्ट्री। फिर 4 एग्जामिनेशन हम करते हैं, क्लोथ्स की, मटीरियल की, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और जेनिटल या लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। जेनिटल इन द फॉर्म ऑफ रेप और लोकल एनस इन द एग्जामिनेशन ऑफ सोडोमी। सो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन है, इसके बाद जो हम कलेक्ट करते हैं, फिर इन्फेरेंस है जो लास्ट में 2 स्टेप्स हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस कौन से हैं वो हमें अलग एसीक्यू में भी पूछा गया, तो उसको हम अलग भी याद करेंगे, देखेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ जो है वो 1 से 7 डेज तक फीमेल जेनिटल ट्रैक में रह सकता है, आफ्टर डेथ बी इवन। इसके अलावा जेनिटल या लोकल एग्जामिनेशन के ऊपर भी एसीक्यू आया हुआ है 2-3 दफ़ा और इसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन ये जस्ट लाइक हम बाकी ऑर्गन्स की जिस तरह इंस्पेक्शन करते हैं या एग्जामिनेशन करते हैं उसी तरह ही है। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज बायलेटरल ट्रैक्शन, थर्ड वन इज डिजिटल एग्जामिनेशन एंड लास्ट वन इज स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन। और ये नामों से ही हम इनकी आगे इलैबोरेशन भी कर सकते हैं, इंस्पेक्शन, ट्रैक्शन, डिजिटल एग्जामिनेशन एंड स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एलैबोरेटिंग एनी वन ऑफ हियर। नेक्स्ट वन इज अबाउट फाइंडिंग्स और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज हैं, इसी वजह से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे। दैट इज नली पेरिस सर्विक्स जो है वो उसकी शेप जो है वो पूछी गई है, दैट इज सर्कुलर और जिसमें किसी भी तरह जो वर्जिन सर्विक्स भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा रैप्चर ऑफ हाइमन जो है वो उसकी पोजीशन भी पूछी गई है और उसकी डायरेक्शन भी पूछी गई है। डायरेक्शन पोस्टीरियर लेटरल होती है इन द केस ऑफ रेप एंड उसकी पोजीशन जो है वो है 5 o'clock और कुछ बुक्स में 7 o'clock है, जो कि साइट ऑफ टीयर्स के या डिग्री ऑफ टीयर्स के नाम से उधर मैंशनड है और ये एमसीक्यू में पूछी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो स्पेसिमेंस जो कलेक्ट करने होते हैं इन केसेस में वो उसके ऊपर एसीक्यू है। दैट इज हम इसमें टोटल 3 तरह की स्वैब्स लेते हैं और बाकी जो हैं वो जो जनरल हम बाकी जगहों पे जो एग्जामिनेशन करते हैं उसकी स्पेसिमेन लेते हैं, वो ही इधर कलेक्ट करेंगे। यानी क्लोथ्स हैं, फिंगर नेल्स हैं, प्यूबिक हेयर है, DNA फिंगरप्रिंटिंग है और फॉरन मटेरियल। ये 5 चीज़ें वो हैं जो जनरल हम कलेक्ट करते हैं हर केस में। बाकी स्वैब्स इसमें एक्स्ट्रा हैं 3, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटला से, इसके अलावा वजाइनल स्वैब हैं और सर्वाइकल स्वैब्स हैं। ये 3 स्वैब्स एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारे कॉमन हैं, इस वजह से हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वन इज अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप एंड जिना, जिस जो मुजरिम है उसकी एग्जामिनेशन किस तरह करनी है। इसके ऊपर जस्ट एमसीक्यू है, ऐसी क्यों नहीं है। और इसमें एक टेस्ट है, ल्यूगोल्स आयोडीन टेस्ट, इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है। इसमें होता ये है कि बेसिकली जो
वजाइनल एपिथीलियम है वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स ग्लैंड्स प्यूबिस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, कुछ हिस्सा कुछ पार्ट उसका कुछ पोर्शन। सो उसको कंफर्म किया जाता है इस टेस्ट से। वो किस तरह से करते हैं, एक स्वैब लेते हैं ग्लैंड्स पेनिस का और उसको फिल्टर पेपर पर रख के उसके ऊपर आयोडीन वेपर डालते हैं। जैसे ही लिग्यूल्स आयोडीन वेपर उसके ऊपर डालते हैं तो ब्राउनिश डिसकलरेशन होती है, जिससे ये पता चल जाता है कि इधर वजाइनल एपिथीलियम प्रेजेंट है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ स्मेगमा जिसमें होता ये है कि नॉर्मली जो ग्लैंड्स पीनस है उसमें स्मेगमा प्रेजेंट होती है, लेकिन ड्यूरिंग इंटरकोर्स वजाइनल जो फ्लूइड्स होते हैं उससे ये डिस्चार्ज हो जाती है या फिर रिमूव हो जाती है। तो अगर ये रिमूव होगी है इसका मतलब है कि द एक्यूज्ड वन इज कंफर्म्ड। नेक्स्ट वन इज अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जिसमें सोडोमी है, होमोसेक्सुअल सोडोमी, हेटरोसेक्सुअल सोडोमी। इसके ऊपर एमसीक्यू भी है और एसीक्यूज भी हैं। एसीक्यू एक्चुअली इसकी एग्जामिनेशन पे हैं और एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं वो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर पूछे गए हैं। सोडोमी कहते हैं एनल सेक्स को और इसमें होमोसेक्सुअल भी हो सकता है, हेटरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल दो मेल्स के दरमियान, हेटरोसेक्सुअल ऑपोजिट जेंडर के दरमियान, जिसको बगरी भी कहते हैं और बर्जरी भी, दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। टर्मिनोलॉजीज जो है एक्टिव एजेंट है, पैसिव एजेंट है, पेडीरेस्टी है और गेटामाइट है। एक्टिव एजेंट जो है वो इसके ऊपर एमसीक्यू है कि ये सडोमिस्ट होता है, सडोमिस्ट मेल, और पैसिव एजेंट जो करता है परफॉर्म करता है। पैसिव एजेंट जो है जिसके ऊपर किया जाता है उस सडोमिस्ट को बोलते हैं, और पेडीरेस्टी जो है ये एक सडोमी की टाइप ही है जिसमें पैसिव एजेंट जो होता है वो फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड होता है छोटा जिसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा कैटामाइट जो है वो जो चाइल्ड पेडीरेस्टी में यूज होता है एज ए पैसिव एजेंट उसको बोलते हैं, और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है डेट इज पॉजिटिव लेटरल बट टेस्ट। और एग्जामिनेशन में हमने देखना है, इसकी एग्जामिनेशन हम अंडरस्टूड है वो लिख सकते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं करूँगा एक्सप्लेन। इसमें मेजर जो है एक एमसीक्यू पूछा गया है दैट इज़ के जो हैबिचुअल पैसिव एजेंट है उसकी शेविंग हुई होती है पेरी एनल एरिया की, ये एमसीक्यू में पूछी गई है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो नॉन हैबिचुअल पैसिव एजेंट है उसमें जो है वो ज़्यादा फोर्सफुली एक्शंस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हैबिचुअल हैं उसमें कम फोर्सफुल एक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। बाकी हम इसको खुद से लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज मिसकैरेज या अबॉर्शन। इसके ऊपर फर्स्ट जो एमसीक्यू है दैट इज इन्फेंटिसाइड जो है उस टर्मिनोलॉजी को एमसीक्यू में पूछा गया। इन्फेंट वन ईयर से नीचे वाले जो जितने भी बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं और उनकी किलिंग को इन्फेंटिसाइड बोलेंगे। और अभी एक न्यू टर्म यूज होती है, अंडर वन मंथ अगर हम एक बच्चे की किलिंग होती है तो उसको नियोन नेंटिसाइड बोलते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज और अबॉर्शन, इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। मिसकैरेज जो है वो बेसिकली 7 मंथ के बाद जो फीटस है जो कि अपनी असल हालत में या जिंदगी की तरफ वो जिंदा हो जाता है, उसकी लाइफ इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 7 मंथ्स, उसकी एक्सपल्शन को मिसकैरेज बोलते हैं। लेकिन जो एबॉर्शन है वो किसी भी टाइम पीरियड पे हो सकती है, इट हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी मंथ और प्रेगनेंसी इवेंट्स। सो ये दोनों में डिफरेंस है मेजर। इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, किसास और दीगर ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग। एक है इस्काते हमल, इस्काते जानिन, हमल कहते हैं फ्लूइड को, और इसमें ये होता है कि जस्ट अभी फीटस डेवलप नहीं करता, उसके कोई ऑर्गन या लिम्स अभी डेवलप नहीं करते, उसकी किलिंग को फॉर द फॉर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नॉट
गुड फेथ, तभी इसको कंसीडर किया जाएगा इस खाते हमल के अंडर। और इस खाते जनिन कहते हैं जिसमें जो जन्म के या फिर लाइफ इवेंट्स शो होने लग जाते हैं, यानी लिम्स ऑर्गन्स वगैरह फिटस के डेवलप हो जाते हैं, उसकी एक्सपल्शन को, उसकी मिसकैरेज को हम इस खाते जनिन में कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऐसी क्यों है इसमें, दैट इज टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, दो मेजर टाइप्स हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। नाम से पता चल रहा है स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो जाए, इंड्यूस्ड जो कर दी जाए, क्रिमिनल भी हो सकती है जो थेरेप्यूटिक भी हो सकती है। स्पॉन्टेनियस जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन होती है, डैट इज MCQs, और इसकी दो काजेज हो सकती हैं, फ्यूटल भी और मेटरनल भी। फ्यूटल काज हो सकती है ड्यू टू जेनेटिक और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ऑब्वियसली फीटस की तरफ से यही काज हो सकती है। और मेटरनल कॉजेज हो सकती है ड्यू टू डिफरेंट लाइफ थ्रेटनिंग पोजिशंस की वजह से, जिसमें डिजीजेस भी आती हैं, जिसमें डिफरेंट सेवरल कंडीशंस आ जाती हैं। ये यहाँ पे सारी वो कंडीशंस मेंशन हैं, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज क्रिमिनल एबॉर्शन। क्रिमिनल एबॉर्शन जो है इसके ऊपर ऐसी की बात है, और इसको आगे डिवाइड किया गया टोटल थ्री कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड। फर्स्ट वन इज ओवम स्टेज अप टू 10 डेज, यानी 10 दिन के अंदर अंदर जो डेथ डेड होती है या मिसकैरेज होती है या अबॉर्शन होती है वो किस तरह हो सकती है, हॉट बाथ से, वजाइनल डोजी से, जो कि वॉलेंटरीली या इंड्यूस्ड है, यानी कि खुद मदर करती है। इसके अलावा एम्ब्रियो स्टेज जो 9th मंथ तक मिसकैरेज या अबॉर्शन होती है, उसमें जो है वो ज़्यादातर हम जो ड्रग्स हैं वो यूटिलाइज की जाती है। वो ड्रग्स अलग से क्वेश्चन है, अबॉर्टिफाइड्स जो ड्रग्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन अलग है, ऐसी वो भी हम देखते हैं। तो वो 9 वीक तक यूज करने, 9 वीक के अंदर अंदर मिसकैरेज के लिए यूज होती हैं। इसके लिए एक और भी टर्मिनोलॉजी है, 49 डेज तक MCQ पूछा गया है इसके ऊपर। और फ्यूटल स्टेज अप टू डिलीवरी, इसके बाद अगर ये भी काम ना आए तो फिर थर्ड स्टेज पे किलिंग के लिए जो है वो डिफरेंट हार्ड पोजीशंस यूज की जाती हैं, प्रोबिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें पेंसिल, निटिंग मटेरियल, नेल्स हैं, और इसमें रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं बाय स्टिक। और इसमें जो स्ट्रिंजिंग यूज की जाती है उसको हिजिनसंस स्ट्रिंज यूज बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम अबॉर्टी फिशियंट ड्रग्स के ऊपर। इसकी दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट टाइप है यानी डायरेक्टली एक्ट ऑन यूट्रस, और एक है इनडायरेक्टली एक्ट ऑन यूट्रस। पहले इनडायरेक्टली देख लेते हैं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जो है वो ज्यादा ड्रास्टिक या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें पहले से आइडिया, अगर हमने फार्मा पढ़ी हुई है तो उनसे भी हमें इसका आइडिया हो जाएगा। एमेटिक्स हैं, परगेटिव्स हैं और लोकल इरिटेंट्स हैं। एमेटिक्स हमें पता है फॉर द वॉमिटिंग, कार्सिस एंटी वॉमिटिंग के लिए होते हैं, तो टार्टर यूज किया जाता है। परगेटिव्स जो हैं इसमें 3 ऑयल्स हैं, कास्टर ऑयल, क्रोटोन ऑयल, टर्पेंटाइल ऑयल। इरिटेंट्स जो लोकल हैं वो साइल्स ऑफ हैवी मेटल या ऑयलेट्स ऑफ लेड होते हैं इरिटेंट्स। ये हमें टॉक्सिकोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, तो इसलिए आगे चलते हैं हम। डायरेक्टली एक्टिंग जो है उसमें दो हैं मेजर, इबोलिक्स हैं और माइनोगोजीज। एक्बोलिक्स जो हैं वो बेसिकली हमने उसमें फार्माकोलॉजी में भी पढ़े हैं, तो वही हैं, एरगॉड क्विनिन है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है, और स्ट्राइकिनिन पॉइजनिंग है इसमें होते हैं। और इसके ऊपर MCQ जो है वो है आया हुआ कि ये एक्बोलिक्स जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके अबॉर्शन करवाते हैं। अमाइनोगोजेसिस जो है वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन या प्रोस्टाग्लैंडिंस को बोलते हैं। इसके ऊपर ही एज इट इज ही MCQ भी है और SCQ भी पूछा गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम काजेज ऑफ थेरेप्यूटिक अबॉर्शन जो हैं इसकी टेक्निक्स के ऊपर क्वेश्चन है, और इस पे एक MCQ आया हुआ है कि अगर 12 वीक से पहले अबॉर्शन करनी है थेरेप्यूटिक अगर डॉक्टर ने करनी है तो वो डायलेशन और कटरेज को यूज़ करेगा, और अगर 12 वीक्स के बाद है तो वो हिस्टेरोटमी यूज़ करेगा। इसके अलावा दो और मेथड्स हैं, अमाइनोसेंटेसिस हैं, इसके अलावा वैक्यूम सक्शन है। ये लेट स्टेजेस में यूज होते हैं,
और वैक्यूम सक्शन के ऊपर एमसीक्यू है कि ये 0.4 से 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर पावर यहाँ पे सक्शन वैक्यूम सक्शन जो है वो हम यूज करते हैं अबॉर्शन के लिए। इसके बाद काजेज ऑफ डेथ फ्रॉम क्रिमिनल अबॉर्शन बहुत दफ़ा एमसीक्यू आया हुआ है, इसको हमने तीन तरह से डिवाइड किया, रैपिड डेथ, सेकेंड वन इज डिलेड डेथ एंड लास्ट वन इज लेटर कम्प्लिकेशन। फर्स्ट वन इज रैपिड डेथ, रैपिड डेथ की फिर आगे थ्री टाइप्स हैं, वेगल इनहिबिशन, एयर एम्बुलिज्म और रैपिड हेमरेज। वेगल इनहिबिशन किस वजह से होती है, ये बेसिकली अगर हम क्रिमिनल अबॉर्शन देखते हैं तो उसमें वुमेन जो होती है वो विदाउट एनी एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड अबॉर्शन कर रही होती है, तो उसमें इट्स जस्ट लाइक एन स्टिमुलस जो देते हैं, और जो हम क्रिमिनल अबॉर्शन में इट्स जस्ट लाइक स्टिमुलस टू द नेक ऑफ द वोम इन इज लाइक अप्लाइड टू द लेरिंग्स और ट्रेकिया। इसी तरह जिस तरह हम अपने ट्रेकिया लेरिंग्स पे कोई स्टिमुलस दे रहे हैं या जर्ब लगा रहे हैं, उसको हर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वेगल इनहिबिशन होती है। एयर एम्बुलिज्म की वजह डेथ जो है वो बेसिकली इंट्रायूटराइन इंजेक्शन की वजह से होती है, जिसमें एयर जो है वो किसी ना किसी तरह यूट्रस की जो या प्लेसेंटा की सर्कुलेशन के थ्रू मदर की सर्कुलेशन में एयर बबल चला जाता है, और जब वो जाता है लंग्स में या पर्मनेंटली सर्कुलेशन में तो वो वहाँ पे जाकर रैपिड डेथ कॉज करता है। ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। और नेक्स्ट वन है रैपिड हेमरेज। रैपिड हेमरेज जो है ये दो तरह के से हो सकता है, एक तो रैपिड हेमरेज डायरेक्ट हमने प्लेसेंटा को काट दिया है तो उस वजह से ब्लीडिंग हुई है, उसको बोलते हैं। एक दूसरा है कि यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी परफोरेशन हो गई है और उसकी जो ब्लड सप्लाई थी वो लीक आउट हुई है और डेट्स वाई रैपिड हेमरेज हो गया। सो ये तीन मेजर कॉजेज हैं रैपिड डेथ के, वेगल इनहिबिशन है, एयर एम्बुलिज्म एंड रैपिड हेमरेज। डिलेड में टू मेजर कॉजेज हैं सेप्सिस और अदर कम्प्लिकेशंस, डेट इज रीनल फेलियर, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लेटर कम्प्लिकेशंस में बहुत ज़्यादा दर्दनाक पेल्विक सेलुलाइटिस है और थ्रोम्बोफ्लेबलाइटिस है। इसमें पल्मोनरी एम्बुलिज्म होती है, इसमें भी पल्मोनरी एम्बुलिज्म है जो लग से पॉइंट भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में काफ़ी ज़्यादा लेटर कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर वो सारी ना भी लिखें तो नो प्रॉब्लम, इतने से भी इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल इम्प्लिकेशंस ऑफ न्यू बॉर्न। सो इसमें मेडिकल इम्प्लिकेशंस में की दो तरह को डिवाइड किया गया, एक स्टिल बर्थ है और एक जो है वो लाइव बर्थ है, और इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली पूछा नहीं गया लेकिन हम फिर भी कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पहला डिफरेंस है स्टिल बर्थ का वो मैसीरेशन की एग्जिस्टेंस है और मैसीरेशन की एविडेंस है और ये एमसीक्यू में पूछा गया। इसके अलावा जो दूसरा मेजर डिफरेंस है, स्टिल बर्थ कहते हैं ऐसी बर्थ जिसमें जो फीटस था उसमें भी कोई ज़िंदगी के असरात या ज़िंदगी के कोई भी वायलेबिलिटी ऑफ लाइफ अभी शो नहीं होती, तो हम उसे पहले पहले वाली सारे इवेंट्स लिख सकते हैं इसमें, यानी जीआईटी में कोई फूड नहीं है, लंग्स अभी काम करना स्टार्ट नहीं करते, जिसको अनब्रेथ लंग्स कहते हैं जी, वो और उनके डिफरेंट फीचर्स हम लिख सकते हैं, यानी वो स्पॉन्जी नहीं होते, वो भी डीप वॉयलेट कलर के होते हैं, वो स्मॉल होते हैं क्योंकि उसमें भी कोई हवा नहीं आती ना, एयर नहीं आती उसमें। जो है एक टेस्ट है उसका स्पेसिफिक, डेट इज फ्लोटेशन टेस्ट, जो नेगेटिव होता है लंग्स का, उसको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी बोलते हैं। और इसके अलावा एल्वियोलाई जो होती हैं वो भी कोलैप्स हुई होती हैं क्योंकि एयर अभी उधर नहीं पहुंचती। और इसके ऑपोजिट सारी बातें हम लिखेंगे लाइव बर्थ में, यानी फूड भी पहुंच गया, स्टमक भी भरा हुआ है, इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी पॉजिटिव है, लंग्स भी लंग्स के एल्वियोलाई भी काम कर रही हैं, एक्सपेंडेड हैं, लंग्स का साइज भी इंक्रीज है, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन भी पहुँच गई है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेजाइटस यूट्रेनिकस जो है क्राई ऑफ द फीटस या चाइल्ड इन द यूट्रस उसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक एमसीक्यू है हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के ऊपर जो पूछा जाता है वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बारे में, ये
कुछ कंडीशंस में ये फाल्स पॉजिटिव हमें मिल जाते हैं, दैट इज प्यूटिफिकेशन, और फाल्स नेगेटिव हमें नमोनिया में मिलते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अन ब्रेथ की और ब्रेथ ब्रेथेड लंग्स की वो एमसीक्यू में पूछी गई है। अन ब्रेथ की 1.04 है और ब्रेथ की 0.94 है। नेक्स्ट इज अबाउट एज ऑफ न्यू बॉर्न, और इसमें एक एमसीक्यू पूछा गया है। ब्रेन मेच्योर्स एट 25 ईयर और एक लाइन ऑफ जहन है, ये कहीं और मेंशन है लेकिन इस चैप्टर में एमसीक्यू आया हुआ है तो इस वजह से यह मेंशन है। ये कैरोलिन थ्रोम्बस प्लेटलेट जो है उसमें शो होती है और आरबीसी से बनती है। डेट्स ऑल, यहाँ तक जो है इसके ऊपर इतना ही पूछा गया है। सडन इन्फेंट सिंड्रोम जो है इसकी डेफिनेशन और इसकी थ्योरीज यहाँ पे इसकी कॉजेज पूछी गई हैं, क्योंकि इसकी कॉज जो है वो अननोन है, इस वजह से कोर्ट डेथ और क्रिप डेथ भी बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है कि इन्फेंट की 1 ईयर के अंदर अंदर सडन डेथ अगर हो जाए तो उसको हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी जो थ्योरीज हैं, यानी कि क्योंकि अभी इसकी सही रीज़न नहीं पता चल पाई तो हम थ्योरीज ही दे सकते हैं, जिसमें 5 डेफिशिएंसीज हैं या कमियां हैं और 2 अलग पॉइंट्स हैं, तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं इसके। पहले हम डेफिशिएंसीज देख लेते हैं। पैराथायरॉयड डेफिशिएंसी, विटामिन ई एंड सिलीनियम डेफिशिएंसी, ब्लॉक्ड एयर पैसेज यानी कि एयर डेफिशिएंसी, हाइपोथर्मिया का मतलब है टेम्परेचर डेफिशिएंसी वो कम हो गया, तो ये 4 जो हैं डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं। बाकी 2 अलग पॉइंट्स हैं, एलर्जिक टू काउज मिल्क और हाउस माइट्स, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी, ये हमें 2 याद करने हैं, बाकी डेफिशिएंसीज हम खुद से लिख के आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। सो अपना दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद चैप्टर्स के साथ, मज़ीद नई चीज़ों के साथ।